है एवरीवन, होप यू आर ऑल वेल एंड सेफ। अभी मैं जो हूँ टर्मिनल 1 पे हूँ। ये फर्स्ट टाइम है मेरी यहाँ से फ्लाइट। मैंने कभी भी टर्मिनल 1 पे मैं कभी विजिट नहीं किया, तो मैं आपको यहाँ का लाउंज दिखाती हूँ कि कैसा है और फिलहाल मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया यहाँ आने में। बाय द वे मैं मेट्रो से आई हूँ और अभी इनके हम लाउंज जा रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि है अंदर क्या क्या, या एक्सेस मिल पाता है कि नहीं सबसे पहले तो वो। अगर आप दिल्ली मेट्रो टर्मिनल 1 से आपकी फ़्लाइट है तो आप मेट्रो भी एक रूट ले सकते हो जाने के लिए। मैंने जैसे कि लिया था बोटानिकल गार्डन वाला, तो मैं काफ़ी कम टाइम में पहुंच गई थी टर्मिनल 1 पर। ये गेट 3 और 5 है, आप 5 से ही एग्ज़िट करना। बाहर काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत ज़्यादा कीचड़ था, क्योंकि उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी मॉर्निंग में। तो मैंने तो अभी अपना लगेज ड्रॉप कर दिया है और ये इंडिगो का है, जहाँ पर मैंने थोड़ा ये न्यू देखा मशीन्स वगैरह। और यहाँ पर एक बड़ी मशीन लगा रखी है एक्चुअली, शायद वेट करने के लिए क्या पता नहीं। ये कुछ प्रोडक्ट्स लगाए थे, बैगेजेस में नहीं होने चाहिए, निकाल दिए जाएंगे। और एज़ प्रॉमिस्ड हम चलते हैं लाउंज की तरफ। ये जो साइड में बैरियर्स लगा रखे हैं, ये उस तरफ जो है शायद कुछ काम चल रहा था, तो थोड़ी सी खटपट की आवाज़ आ रही थी मुझे। ये इंतलाम लाउंज की जो है लिफ्ट है, इससे हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर और आपको दिखाते हैं इंतलाम लाउंज में क्या क्या है। यहाँ खाना रखा था आई बिलीव, स्टेयर्स भी है जाने के लिए, पर क्योंकि हमारी लिफ्ट आ गई है तो हम लिफ्ट से जाएंगे। चलो चलते हैं। ये बटन प्रेस ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। हो गया, ये है इंकलाम लाउंज। आप इधर जूम इन कर सकते हो, कार्ड्स वगैरह जो है यहाँ पर कौन से एप्लीकेबल है। यहाँ मशीन भी रखी है ड्रीम फ्लो की। मैंने जो है क्या किया था कि अपने डेबिट कार्ड्स पहले दिखाए थे कि उस पर अगर है एप्लीकेबल तो मैं ले लूँ, तो मेरा IDFC का बैंक जो है ये हो गया 2 रुपये में, और ये मुझे वापस क्रेडिट भी हो गए थे। मैंने ये शेफ़ काउंटर से जो है डोसा लिया था। और ये एंट्री है, यहाँ पर सोफ़ाज थोड़े से लगे हुए हैं, रिक्लाइनर्स आई बिलीव मैंने देखे नहीं। और ये शेफ़ काउंटर है, एक बार वापस से व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ पर मैगजीन्स न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे, और इस साइड में सिटिंग है 2 लोगों की, तो अगर 2 लोग हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ, रिक्लाइनर थोड़े अंदर है, ये यहाँ पर है अंदर। पर चलते हैं, फोकस करते हैं खाने पे क्योंकि भूख लगी है। और अभी मैं जैसे कि थोड़ा सा लेट हो गई वॉशरूम में ना, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ से डोसा ले लेती हूँ एक। जब तक ये शेफ़ काउंटर थे, ये चलते रहते थे। यहाँ पर बार है, इसके प्राइजेज आप जूम इन करके या पॉज करके देख लेना। और बिवरेजेस में और भी चीज़ें हैं। अभी हो रहे हैं 11:56 और ये अरेंज कर रहे हैं लंच का। मैं थोड़ी सी लेट हो गई तो इन्होंने ब्रेकफास्ट वाला जो कॉर्नर था वो हटा दिया है, तो अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है लंच का बुफे। तो जो बुफे में है वो मैं आपको दिखाती हूँ और जो मैंने यहाँ पर खाया। ऑल्दो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस, बट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ अलग था, आप पढ़ लेना क्या था। मैंने ये केक ना इंकलाम वाला टर्मिनल 3 पे भी खाया था, और सेम टेस्ट था, बहुत डिलीशियस था। आई बेट यू, मतलब ये सेम टेस्ट के साथ कैसे बना मुझे भी नहीं पता। ये सैलड्स है यहाँ पर, और यहाँ पिकल्स थे, टोमेटो रसम, मैंने थोड़ा सा ही लिया था रसम वैसे तो। ये मिक्स करने के लिए स्टिक है, चपातीज थी यहाँ पे काफ़ी सारी, जीरा राइस भी था, और ये देखो आप, ज़ीरा राइस, दाल तड़का, फिर आगे जो था दाल तड़का के जस्ट साइड में कढ़ाई पनीर, और ये है मेरा खाना एक्चुअली जो मैंने खाया। पता है बहुत मेसी लग रही है प्लेट मेरी, एकदम भरी भरी सी, पर मुझे लेट हो रहा था और मैं आ गई हूँ यहाँ 40 नंबर गेट पे, क्योंकि मेरी फ़्लाइट बहुत लेट है और लोग सारे ही भड़के हुए थे स्पाइस जेट पे। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था उनके साथ ये वाला। बट हाँ, हम पहुँच गए बस से सीधा लैंड करते ही हम लोग आ गए हैं अपनी फ़्लाइट पे।
क्योंकि पीछे है सबसे लास्ट, मतलब मैं पीछे से ही जा रही हूँ, 3A, आगे से नहीं एंट्री कर रही, मतलब बहुत पीछे चलना पड़ रहा है। आगे था तो मुझे पीछे से वापस आगे आना पड़ा। तो ले लिया है, बट ये जो है टर्मिनल 1 ही निकला स्पाइस जेट का। अक्सर यहाँ पे होती नहीं है स्पाइस जेट, पर पता नहीं क्यों इस बार है। और आते ही ना मुझे ओएसिस लाउंज दिख गया है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी, पर अभी मैं थोड़ी लेट हो रही हूँ, थोड़ा सा दिखा के मैं निकल रही हूँ। यार मुझे यहाँ से दिख रहा है पर बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, मतलब उस साइड में, तो अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। लगेज में ही वेट करते हैं।